स्मोक और फोग दोनों मिलके स्मोक बनाती है। इनकी स्मोक शुरू कहाँ से हुई, पाकिस्तान में या कहीं भी स्मोक को कैसे खत्म किया जाए, सर्दियों में ही क्यों स्मोक आती है, कि लोगों को स्मोक और पोल्यूशन के हेल्थ इफेक्ट के बारे में बताएं, तो सोलर विंड और हाइड्रो पावर का इस्तेमाल बढ़ाएं, ये सब चीजें हमने और आपने मिलके करनी है। लाइफ केयर स्टूडियो, आज हम बहुत ज्यादा अहम बात करेंगे। आज हम स्मोक के बारे में बात करेंगे। स्मोक एक गंदा धुआं है, ये सबको नजर आ रहा है और सबको पता है। आज हम बात करेंगे स्मोक शुरू कहां से हुई, स्मोक की जड़ कहां से आई। सबसे पहले रबर और प्लास्टिक की इंडस्ट्रियल फैक्ट्री बनी थी, तो उसकी वजह से लोगों के आंखों में जलन आना शुरू हुई, लोगों के फेफड़ों के मसले आना शुरू हुए, लोगों को किस्म किस्म की एलर्जीज हुई। तब ये 1943 में लॉस ऑफ एंगल्स में पहला मशहूर स्मोक का वाकया आया था। उसके बाद 1952 में लंदन में ग्रेट स्मोक का वाकया आया। ये 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक रहा। ये भी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और वेदर कंडीशन के मिलने से बना। इस हादसे के बाद बहुत सारे लोगों की जान भी गई और इस हादसे के बाद क्लीन एयर एक्ट का कानून बना। ये कानून पहली बार 1956 में यूके में पास हुआ था। इससे इंसानी सेहत बेहतर हुई और एनवायरनमेंट बेहतर हुई। बाद में अमेरिका, कैलिफोर्निया और बहुत सारी कंट्रीज ने अपने अपने क्लीन एयर एक्ट बनाए, ऐसा कानून बनाया जिससे एयर क्वालिटी इम्प्रूव होती रहे, और दूसरी कंट्रीज ने स्मोक को रोकने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनाई। लेकिन यहाँ मैं आपको सारी हिस्ट्री डिस्कस नहीं कर सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जो सबसे अच्छा काम जापान और यूरोप ने जो अपने इमिशन स्टैंडर्ड्स के इंट्रोड्यूस किए, जिसे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के लिए फिल्टर और स्क्रब लगाए ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, और साथ ही साथ उन्होंने अर्बन प्लानिंग और ग्रीन स्पेसेस को प्रमोट किया, जिससे एयर क्वालिटी इम्प्रूव हुई, ऑटोमेटिकली जो स्मोग है वो कम हो गई। इन सब स्ट्रेटजीज की वजह से ही बाकी मुल्कों ने अपने अपने मुल्क को हिफाजत में रखा हुआ। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि सर्दियों में ही क्यों स्मोग आती है। स्मोग सर्दियों में इस वजह से आती है कि सर्दियों में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, जो हवा है वो जमीन में रहती है, नीचे नीचे रहती है। एक तरफ तो सर्दी की वजह से फोग आती है और दूसरी तरफ स्मोग आती है, जो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, जो व्हीकल्स हैं, जो बाहर फॉसिल फ्यूल्स हैं और जो हम खेतों को जलाते हैं, इन सब का धुआं मिक्स होकर ये स्मोक और फोग दोनों मिलके स्मोक बनाती है। अगर हम इन चीजों को ध्यान नहीं रखते तो स्मोक की वजह से बड़ा मसला आता है। स्मोक से लोगों को खांसी लगती है, जिन लोगों को अस्थमा है उन लोगों को तो सांस लेने में मसला आता है, एलर्जी हो सकती है, आंखों में जलन होती है, थकावट होती है। इस टाइम पाकिस्तान में स्मोक बहुत ज्यादा है, स्पेशली लाहौर शहर में। लाहौर तो लाहौर है, वहाँ पर तो इतना रश है और इतना धुआं, और सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज भी लाहौर में है। पाकिस्तान में या कहीं भी स्मोक को कैसे खत्म किया जाए, मैंने आपको पहले भी सारी हिस्ट्री बताई है, लोगों ने, अदर कंट्रीज ने कैसे कैसे काम किया। इसी तरह ही पाकिस्तान में गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए जिसमें एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कानून बनाए जाएं। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाए ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। फैक्ट्रीज का धुआं और जो गाड़ियों, व्हीकल्स का जो धुआं है, उनको बचने के लिए स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स बनाएं। रीन्यू एनर्जी जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो पावर का इस्तेमाल बढ़ाएं। जैसे बाहर के मुल्कों में क्लीन एयर एक्ट का कानून बनाया है, इसी तरह पाकिस्तान में भी स्मोक कंट्रोल करने के लिए एरियाज बनाएं। और सबसे ज्यादा जरूरी है पब्लिक अवेयरनेस बताएं, कि लोगों को स्मोक और पोल्यूशन के हेल्थ इफेक्ट के बारे में बताएं। ये तो आपने देख लिया उसको ये करें वो करें, लेकिन ये सब चीजें हमने और आपने मिलके करनी है। तो ये काम आप अपने घर से शुरू करें। घर में एयर प्योरीफायर लगाकर हवा को साफ किया जा सकता है। स्मोक के दौरान अपने घर की खिड़कियां बंद रखें। घर में आप इंडोर प्लांट्स लगाएं जिससे हवा क्लीन होती है। बिना वजह घर से बाहर ना जाए। आजकल के बच्चे तो है कि हम लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं, हम खेलने जा रहे हैं, उनको रोकें। आज अगर आप और हम मिलकर इस चीज को शुरू करेंगे तो बहुत सारे लोगों को सेहत तंदुरुस्त होगी और स्मोक जल्द से जल्द खत्म होगी। स्मोक की वजह से अगर आपको एलर्जी या फिर खांसी या सांस लेने में मसला आ रहा हो तो मेडिसिन जरूर इस्तेमाल करें।
एलर्जी के लिए एंटी हिस्टामिन यूज करें। जो अस्थमा वाले पेशेंट है वो इनहेलर जरूर लें। इस मौसम में सबको घर में गर्म पानी की स्टीम लेनी चाहिए। स्मोग एक सीरियस हेल्थ और एनवायरमेंटल इशू है जो ग्लोबल लेवल पर भी टैकल किया जा रहा है। पाकिस्तान में और खास तौर पर लाहौर में स्मोग को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसीज और क्लीन एयर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है। पब्लिक अवेयरनेस और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ लोगों को गाइड करना स्मोग को कम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब अपना ध्यान रख सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।